आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन कि उन्होंने हमारे अंदर फेथ रखा है, ट्रस्ट रखा है, क्योंकि थ्रू आउट आई डोंट नो ये किसने और कैसे अफवाह फैलाई है, इट वाज कम्प्लीटली होक्स. और जब हमें ये पता चला कि ये फॉल्स न्यूज़ है, देन वी केम टू द कंक्लूजन नो एवरीथिंग इज सेफ एंड आर स्टूडेंट शुड कम टू स्कूल, लेट देम फील नॉर्मल. एंड सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक आर MLA सर कुंवर विजय प्रताप जी. वो रात को 12 बजे भी यहाँ पे आए थे, अपना पूरा स्कूल का देख के गए हैं, सबसे बात करके गए हैं. द कमिश्नर ऑफ पुलिस अरुण पाल सिंह जी जो कॉन्स्टेंटली टच में रहे एंड ही वॉज टॉकिंग टू मी ऑल्सो एंड टू हिज फोर्स ऑल्सो. आई कैनॉट मिस आउट इवन द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर परमिंदर सिंह बंटाल जी एंड ADCP प्रबोध सिंह विर्क जी, देन ACP गुरिंदर वीर सिंह सिद्धू जी, ACP वीरेंद्र कुमार जी, SHO सिविल लाइंस अमोलक दीप सिंह जी. इनका मैं इसलिए शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि रात को 1-2 बजे तक भी दे वर विद मी इन कांस्टेंट टच. चला कि 3 स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह का प्लान किया. सर देखिए ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है जो उन्होंने मेरे साथ भी नहीं शेयर किया है, बस उन्होंने इतना बताया कि इट इज़ अ फॉल्स न्यूज़, एवरीथिंग हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड. जैसे ही हमें इसे मॉर्निंग में ये मैसेज कहीं फ्लोट हुआ और हमें पता चला स्टाफ के थ्रू कि मैम ये मैसेज फ्लोट हो रहा है, इमीडिएटली हमने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी थी प्रोटेक्शन के लिए, पेट्रोलिंग के लिए. एंड इमीडिएटली हमारा स्टाफ जो है पर्सनली जाके भी पुलिस फोर्सेज से मिलके आया, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, स्कूल में आ गए, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की कि क्या ये मैसेज है. एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने चाहे साइबर ब्यूरो में जहां से भी, बट इट इज द कॉन्फिडेंशियल मैटर. बट माय क्वेश्चन इज हु फ्लोट दिस मैसेज, ही इज आइडेंटिफाइड और नॉट? इवन इफ इट्स आइडेंटिफाइड इट्स नॉट विद मी बिकॉज इट इज़ आपको पता ही है पुलिस जब तक कि वो पूरा डेप्थ तक नहीं पहुंच जाती है दे विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग. निकलते हैं स्कूल के बच्चे निकलते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी क्योंकि डेफिनेटली नहीं, डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन क्योंकि बच्चों को ये लेसन जाना चाहिए कि ये एक मजाक नहीं है. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी आ तो गई है बट उनको उसका यूसेज नहीं पता है, वो बहुत मिसयूज होते हैं. हम तो यहाँ पे हमारे वी हैव आवर IT डिपार्टमेंट जो बच्चों को वीडियोज दिखाते रहते हैं व्हाट इज साइबर क्राइम एटसेट्रा, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं समझते हैं. दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स रिपीटेडली. मैंने एक अभी ही कुछ दिन पहले ही एक पेरेंट्स को मोबाइल एटिकेट्स के टिप्स भी भेजे थे थ्रू आर टीचर्स कि आपके बच्चे के जब भी वो यूज़ कर रहा होता है आपको पता होना चाहिए कि वो क्या यूज़ कर रहा है, किस लिए यूज़ कर रहा है. एंड स्पेशली आफ्टर 8-9 o'clock द फोन शुड कम इन द हैंड ऑफ द पेरेंट्स क्योंकि एवरीथिंग इज ऑफलाइन. एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द चिल्ड्रन आर स्टिल हैविंग द फोन्स इन देयर हैंड्स. जी हाँ जी, डेफिनेटली वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एनी दैट इज नॉट टू बी स्पेयर्ड. और अभी आप में से किसी ने पूछा, एक्शन तो लिया जाएगा बिकॉज इट वॉज नॉट एंड दिस इज स्ट्रॉन्गली गोइंग टू बी अ लेसन इवन फॉर अदर चिल्ड्रन कि अगर उनको ये चीज़ का पता नहीं है बिकॉज सी द चिल्ड्रन स्टिल आर इनोसेंट, वो मजाक में कर जाते हैं. आई कैनॉट कॉल देम नोटोरियस, दे आर नॉटी, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोटोरियस एंड नॉटी. उनको ये नहीं पता है कि उनकी मजाक में वो कोई क्रिमिनल एक्ट कर रही है. जी बिल्कुल आई एग्री विद दैट एंड वी आर गोइंग टू टेक, अगर हमारे गॉड फॉरबिड अगर हमारे बच्चे कहीं इन्वॉल्व हुए डेफिनेटली अ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट. कितनी कम रही सर, द चिल्ड्रन आर कमिंग, जैसे पेरेंट्स को पता चल रहा है आपने खुद भी देखा होगा कि वो आ रहे हैं. द पेरेंट्स आर इवन सिटिंग एट द रिसेप्शन दैट मैम वी आर विद यू. तभी मैं कहती हूँ कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द पेरेंट्स जिन्होंने हमारे अंदर ट्रस्ट किया है. एंड आई वुड कॉल आर चिल्ड्रन द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ DAV के जिन्होंने कहा नो वी आर DAVians एंड वी विल गो देयर. व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स दैट यू आर टेकिंग पर्सनली फ्रॉम योर स्कूल लेवल? सर वी हैव द स्निफर
डॉग्स, पहले तो मैंने वही आपको कहा, आर मोर मोस्ट रेवर्ड यू नो एमएलए कोर विजय प्रताप जी और आज डिप्टी आई मीन कमिश्नर ऑफ पुलिस अरुण पाल जी, उन्होंने नहीं, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, उन्होंने पूरा का पूरा उसी टाइम इमीडिएटली उन्होंने अपना स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड एंड अपना दूसरा कमांडो फोर्स सबको लगा दिया था, द स्नाइपर्स एज वेल एज, आप अभी भी अंदर देखेंगे पुलिस बैठी हुई है, बट हमने ये इस हिसाब से वो लोग बैठे हैं कि बच्चों में कोई एक डर ना आए किसी भी ढंग से, आर नॉर्मल क्लासेस आर गोइंग ऑन. Yes, definitely. See, for us, the security is going to be, one is that barricading the entire staff who's free, they are on the doors, on the main gates, and they are standing in the areas also. Otherwise, our gates to band hai, theek hai? And we just opened it for you so that you could feel that the school is open. Do you think school is safe for the 100% safe. See, safety of our children is our responsibility. Yeah. And jo ye decision bhi hua hai, raat ko 1 baje ye decision hua ki everything is safe, it was all hoax, kyunki jab tak un logon ne, police ne pura investigation nahi kar liya, tab tak we were not taking any decision. And that is when we realized that we don't need to close the school, everything is safe. Our teachers, all 100% staff is here. Our students are also coming. Jo parents ko trust hai, faith hai, unhone immediately bhej diya. I can understand the parents' anxiety and the fear factor also. So we have nothing against that. ठीक है, एक दिन अगर उनको लगा कि नहीं, वी नीड टू सी दैट एवरीथिंग इज सेफ, दे आर वेलकम फॉर दैट, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल. बट वन मोर थिंग बिफोर आई एंड, आई वांट टू थैंक आर प्रेसिडेंट सर, आर पद्मश्री ऑनरेबल पूनम सूरी जी, आर डायरेक्टर सर जे पी शूर जी, एंड देन आर रीजनल ऑफिसर कामरा मैम, एंड आर मैनेजर मैम डॉक्टर पुष्पिंदर वालिया, क्योंकि ये क्या बोलते, पुष्पिंदर वालिया मैम एंड आरू मैम, हमारे नीलम कामरा मैम, वो तो रात को मेरे साथ ही यहाँ पे थे, दैट दिस इज you know our responsibility, aur wo khud pura yahan pe dekh ke gaye hain dono aake, that everything is normal, and then we decided to keep the school open. Kal ek morning to hi ek post viral hoyi si social media te ki koi firing incident hoyega jo DAV public school hai Amritsar, ohde sambandh vich police nu jad pata laga immediately assi action chaye, ਔਰ ਡੀ ਏ ਵੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਐਂਟੀ ਸਬੋਟੇਜ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਨੇ. ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪੋਸਟ ਆ ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਡੀ ਏ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ. ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਨਿਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ. ਪਰ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੀ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਆ. ਸਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਮਾਈਨਰ ਨੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ,
ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ CP ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ। ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੇਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ 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 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਤਣਾਅ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ।